तुम्हारा चैनल दी दुगनी रात चौनी तरक्की हो जाएगा। अभी 9 बजे पुल होगा, तबरुकात की ज्यारत होगी, उसके बाद में जो है बाद नमाज मगरिब जो है वो ये होगा, फिर हमारे नाज़िम आला हैं उनसे कहोगे किसी बच्चे से गुसल जो हुआ है रात में उसका वो दिलवा देंगे वीडियो, ये सब डालो, लोगों को बताओ कि बुजुर्गान दीन ही असल हैं, उन्हीं से इस्लाम फैला है, उन्हीं से दीन फैला है, उन्हीं से दीनी तालीम फैली। कहा, पूछा वालिद से कि हम कहाँ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो आपने कहा कि ये छड़ी गाड़ दो, ये सोन नदी के किनारे गाड़े तो हरा भरा हो। ये बताइए जो ये मजार शरीफ जो है ये किन का मजार शरीफ है? ये मजार शरीफ कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अफराद नायब गौसुस सकलैन हज़रत सैदना मोहम्मद कादरी अमजद शरीफ जो बगदाद शरीफ से यहाँ 846 हिजरी में आए उन्हीं का आस्थाना है। ये गौसे पाक हज़रत सैदना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से है। तो आप हज़रत ये बताएं जैसे मान लीजिए ये मजार शरीफ जो है तो इनके यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये अभी आप जिस समय अमजद शरीफ ये तकरीबन 500 साल पहले ये जंगल था, इसका नाम था अमजा जंगल। तो हज़रत सैदना मोहम्मद कादरी बगदाद शरीफ से बहुकम आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से 846 हिजरी में आप इस जगह आए, तो आप यहाँ जंगल में क़याम किया, क़याम करने के बाद ये जंगल अमजा से अमजद शरीफ के नाम से मशहूर हो गया। तो यकुम रबी अव्वल को हज़रत सैदना मोहम्मद कादरी का विसाल हुआ तो आपके विसाल ही की तारीख पर उर्स मुबारक मनाया जाता है। इस उर्स में हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग आते हैं, बिहार बंगाल उड़ीसा दिल्ली गर्मी पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं और सैदना पाक अपने साथ कुछ तबरुकात लेकर आए थे जिसकी ज्यारत करने के लिए लोग आते हैं, जिसमें खसूसी तौर पर मुँह मुबारक है जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, बैठने की सुजनी गौस पाक की है, ओढ़ने की सुजनी गौस पाक की है, हज़रत फ़ातिमा की चादर है, मौला अली हज़रत सैदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमरबंद है जिस पर पूरी नाद अली एक दुआ है जो लिखी हुई है, इमाम हसन इमाम हुसैन का जो है वो गुलबंद है। और सबसे अजीम जो तबरुकात है वो ये है कि गौस पाक ने अपने दस्ते मुबारक से जब कुरान पाक लिखा है जो एक वरक में एक पारा और 30 वरक में मुकम्मल कुरान पाक है, ये पूरी दुनिया में कुरान पाक कहीं नहीं है जो एक वरक में एक पारा हो और 30 वरक में पूरा मुकम्मल कुरान हो। तो उन तबरुकात की ज्यारत हुज़ूर मिल्लत अलहाज हज़रत सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी सज्जादा नशी खान का कादरिया मोहम्मदिया अपने मुतबरक हाथों से कराते हैं, उसी का उर्स का प्रोग्राम चल रहा है। तो हज़रत आप ये बताइए जैसे साल में कितने मरतबा यहाँ पर उर्स लगते हैं? साल में तो हमारे मुसलमान भाइयों का एक ही उर्स लगता है जो हज़रत के विसाल की तारीख पर लगता है, और दो मेला जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का लगता है, एक चतनमी के मौके पर लगता है और एक दशहरा के मौके पर लगता है। तो उसमें भी तकरीबन 50-60 हज़ार लोग आते हैं जो हमारे गैर मुस्लिम भाई होते हैं, तो दो मेला उनका लगता है, एक मेला हम लोगों का लगता है। मतलब अगर इस चीज़ को समझा जाए तो यहाँ पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे संख्या होती है। हमारे कहने हिंदू भाई और मुसलमान आपस में मिल कर रहते हैं, मिल मोहब्बत से रहते हैं, अमन और शांति से रहते हैं, किसी तरह का यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है, कोई तफरका नहीं है। वो लोग भी आते हैं तो हमारे घरों में ठहरते हैं, हमारे यहाँ और गाँव में जितने भी घर है वो सब में उनको जगह मिलती है ठहरने के लिए, बरसात का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो, जो भी खिदमत होती है गाँव के लोग करते हैं, मिल के रहते हैं किसी तरह। कोई ऐसे भी सालों भर जो हमारे गाँव में हिंदू भाई हैं हम लोग मिल के रहते हैं किसी तरह की, आज तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। इस गाँव को आबाद हुए तकरीबन 515-16 साल हो गया लेकिन आज तक कोई इस तरह की फीलिंग नहीं, आपस में मिल के रहते हैं और हिंदू भाई भी सैदना पाक से अकीदत रखते हैं जो साल में उनका 2 बार मेला लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में एकता का बिल्कुल मिसाल पेश है, ये सरजियत के बारे में कुछ वो तो बताए नाज़िम आला ने बताया, जो कुछ बताया सब ठीक ही है। बाकी यहाँ भी जो ज़ायरीन आते हैं सब बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल छत्तीसगढ़ सब जगह से आते हैं, तो अपने अकीदतमंद से आते हैं, ज़ियारत करते हैं, उर्स करते हैं, करके जाते हैं। मतलब हिंदुस्तान के हर कोने से हर राज्य से? हाँ जी, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ से भी सब जगह से आते हैं लोग। आपका नाम? मेरा नाम सैयद ज़की कादरी। हम दरगाह का ड्यूटी करते हैं, हम उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा से आते हैं? उड़ीसा से यहाँ आते हैं, उड़ीसा धामनगर शरीफ से। धामनगर शरीफ से यहाँ 80 से आ रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। यहाँ कोई तरह का लफड़ा नहीं है, बड़ा सुकून से काम चल रहा है। और अभी जो जितना काम बना हुआ है ये सैयद शरफुद्दीन नय्यर कादरी जो है खानके का तरक्की और दादा का तरक्की बहुत आगे किए हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे हर वक्त मदद के लिए खड़े हैं। मत कुछ
सबसे बड़ी करामत यह है कि जंगल से ये शहर हो गया। पहले यहाँ अमजा जंगल था, आज अमजा शरीफ है। सोन नदी इधर से बहती थी, उधर बहने लगी। अजनास का पेड़ जाके देखो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है सिवाय यहाँ। उसकी करामत यह है अजनास का पेड़ का, जहाँ रख दोगे वहाँ सांप नहीं आएगा, जिन जिन्नात नहीं आएगा। इससे बड़ी करामत और क्या खोज रहे हो कि हिंदू मुसलमान दोनों का मेला लगा हुआ है, ज़रा सा टेंशन नहीं है। दशहरा का मेला भी लगा हुआ है और उर्स सैयदना पाक भी लगा हुआ है। मतलब इस चीज़ को अगर समझा जाए तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल एकता का मिसाल पेश, बहुत ज़्यादा, यानी 100% नहीं 200% कहो कि यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं। पहले सोन नदी किधर से बताइए, किधर से बहती थी? पहले सोन नदी दक्षिण से उत्तर बहती थी, पश्चिम से पूरब बहती थी, अभी दक्षिण से उत्तर बहने लगी। सैयदना पाक के वालिद ने कहा, पूछा वालिद से कि हम कहाँ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो आपने कहा कि ये छड़ी गाड़ दो, ये सोन नदी के किनारे गाड़े तो हरा भरा हो गया, आप यहाँ कैम कर लिए, अमजा जंगल था, अमजा शरीफ हो गया। आपका नाम? अब हमारा नाम भी तुम नहीं जान रहे हो कैसे चैनल वाले। मेरा नाम सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी सज्जादा नशीं खानका कादरिया मोहम्मदिया अमजर शरीफ। हजरत मैं लाइफ में पहली बार मैं यहाँ हूँ, इसीलिए मैं। चलो बराबर आओगे इंशाल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अशहर अंसारी। बताओ, अब अशहर अंसारी हो के मशहूर नहीं हुए, सैयदना पाक मशहूर हो गया, तुम इनको गुलामी मशहूर नहीं हुए, बड़ी बात है। इसीलिए तो मैं अपने चैनल के साथ में पहली बार मैं यहाँ पे आप लोगों की। दिन भर रहो, प्रोग्राम अटेंड करो हमारा, तुम्हारा चैनल दी दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगा। अभी 9 बजे कुल होगा, तबरुकात की ज्यारत होगी, उसके बाद में यह बाद नमाज मगरिब जो है वो ये होगा, फिर हमारे नाज़िम आला हैं उनसे कहोगे किसी बच्चे से गुसल जो हुआ है रात में उसका वो दिलवा देंगे वीडियो, ये सब डालो। लोगों को बताओ कि बुजुर्गान दीन ही असल है, उन्हीं से इस्लाम फैला है, उन्हीं से दीन फैला है, उन्हीं से दीनी तालीम फैलेगी।